चीन मसले पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों लगातार हमला कर रहे। राहुल गांधी हर दिन सुबह एक ट्वीट कर सरकार को घेरते हैं, तो वहीं सोनिया गांधी ने भी CWC की बैठक में मोदी सरकार पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फोटो डालकर पूछा है कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं, क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? तो वहीं सोनिया गांधी ने कहा कि देश एक भयानक आर्थिक संकट, विशाल अनुपात की महामारी और अब चीन के साथ सीमा विवाद में घिर गया। हर एक संकट का कारण बीजेपी शासित सरकार के कुप्रबंधन और उसकी गलत नीतियां जिम्मेदार। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब दिया। भ्रामक चीजें फैलाना, झूठ बोलना, ये कांग्रेस की नीति बन चुकी है और आज मैं स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूं। सोनिया जी, जब देश के आर्मी चीफ लेह में उतर रहे हो और देश के जवानों के मोराल को, उनकी शक्ति को वर्धन कर रहे हो, उसे बढ़ा रहे हो, उसी समय CWC की मीटिंग करना और CWC की मीटिंग में आर्मी के विरोध में कहना और ये कहना कि भारत ने अपने टेरिटरी को सरेंडर कर दिया है, भारत कमजोर पड़ गया है, ये क्या आप आर्मी के साथ दो दो हाथ होना चाहते हैं? ये किस प्रकार की लड़ाई है? सोनिया जी, मैं आज स्पष्टता के साथ बता देना चाहता हूं और हर कांग्रेसी इसे कान खोल के सुन ले, हमारे देश हिंदुस्तान ने अपनी एक इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, एक इंच भी जमीन सरेंडर नहीं किया है, किंतु दुख का विषय है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी शर्म को सरेंडर कर दिया। इंडिया हैज नॉट सरेंडर्ड एन इंच ऑफ इट्स लैंड बट कांग्रेस, आई एम सॉरी टू स्टेट, हैज सरेंडर्ड इट्स शेम। ये बहुत ही दुखद विषय है। रोज सुबह आप लोग चालू हो जाते हैं, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, ये किस प्रकार की बात है? हमारे देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। इस बार जो स्टैंड ऑफ है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि किस प्रकार लीगेसी इश्यूज हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लीगेसी इश्यूज हैं, किंतु वर्तमान में जो स्टैंड ऑफ हुआ, जिसकी अभी डीस्कलेशन की बात चल रही है, उसमें हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के MOU के पश्चात हमें डर है चीन का कब्जा हो चुका है। ऐसी क्या बात है? रोज आप देखते हैं सुबह उठते ही चीन को लेकर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रामक हो जाना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है? व्हाई डज द कांग्रेस वांट टू डिराइव सम काइंड ऑफ सैडिस्टिक प्लेजर व्हेन इंडिया, बाय शोइंग दैट इंडिया इज नॉट परफॉर्मिंग वेल? भारत की आर्मी ठीक नहीं कर रही है, भारत की आर्मी और मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, हमारे कब्जे से जमीन चली गई है, भारत हार रही है, भारत के प्रधानमंत्री कमजोर हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके कांग्रेस पार्टी जो एक अद्भुत प्रकार की खुशी अनुभव करती है, एक सैडिस्टिक प्लेजर अनुभव करती है, ये अपने आप में न केवल चिंतनीय है अपितु ये दर्शाता है कि साजिश भी है, कहीं ना कहीं कुछ साजिश है। मैं टेलीविजन चैनल के सामने खड़ा हूं, 1 बजे 2 बजे आप टेलीविजन चैनल ऑन करते हैं तो एक सीरियल आता है एंटरटेनमेंट का हर टेलीविजन चैनल में, सास बहू और साजिश। सुबह 9 बजे टेलीविजन चैनल ऑन करिए आजकल तो मां बेटा और साजिश, मां बेटा और चाइना, चाइना को लेकर हर प्रकार का षड्यंत्र और साजिश देश के मिट्टी में जिस प्रकार से सोनिया जी और राहुल गांधी कर रहे हैं, यह बहुत ही दुखद है।